कब गल लावेंगे
शुक्राना कारण करता
कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना। ये गुरसिक्खी की आखिरी स्टेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस लायक तो नहीं कि इस अवस्था तक पहुंच सके, पर विचार करने में क्या हर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चल पड़े हैं, गुरु ने अमृत वेला बख्शा है, संगत बख्शी। जिसने अमृत वेला बख्शा है, संगत बख्शी है, एक दिन ये अवस्था भी बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भरोसा तो है गुरु नानक पे। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना। बाबा नंद सिंह जी महाराज से किसी ने सवाल किया कि गुरसिक्खी की पहली क्लास कौन सी और आखिरी क्लास कौन सी। बाबा जी ने जवाब दिया, पहली क्लास निम्रता, अमृत वेला निम्रता, और आखिरी क्लास बाणा मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो वो करे उसमें खुश रहना। ये स्टेज, ये अवस्था केवल महापुरुषों के हिस्से आई है, हम जैसे लोगों के हिस्से में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या होती है ये अवस्था? एक आदमी, रेगिस्तानी इलाका है, गर्म रेत है, उस पर चल रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, मस्जिद की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ पाँव तप रहे हैं, चला नहीं जा रहा, सूरज शिखर पर है, परेशान है, पहले परेशान, उसके बाद क्या देखता है, एक आदमी घोड़े पर जा रहा है, बहुत अमीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत अमीर आदमी घोड़े पर जा रहा है, उसके हाथ में छतरी भी है और पांव में तीले वाली जूती भी है, जो सबसे महंगी चप्पल होती है वो उसके पांव में भी है। ये आदमी जिसका नाम इतिहास में शेख सादी लिखा है,
आगे चलकर बड़ी कमाई वाला पीर हुआ ये। ये शेख सादी जिसके पांव में चप्पल भी नहीं, वहीं पर धरती पर गिर गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि या खुदा ठीक है मैं तुझसे घोड़ा नहीं मांगता, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ में छतरी हो, इतने सुख नहीं मांगता, कम से कम पांव में चप्पल तो दे देता, अगर चप्पल भी नहीं दे सकता तो ऐसे खुदा की इबादत करने की क्या जरूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं मस्जिद जाता ही नहीं, बैठ गया वहीं पर, नाराज हो गया खुदा से, नाराज होकर बैठा है, क्या देखता है आवाज आई, या खुदा तेरा शुक्र है, या खुदा तेरा शुक्र है। जब गर्दन घुमाकर देखा तो एक आदमी पैरों में चप्पल क्या जिसके पांव ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों से रेंगता हुआ जा रहा है मस्जिद की तरफ और हर बार ये कह रहा है कि या खुदा तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी हैरान हुआ, कहने लगा एक बात तो बता, किस बात का शुक्र मना रहा है तू, खुदा ने तुझे पांव ही नहीं दिए, हाथों से रेंग कर जा रहे हैं मस्जिद पर, किस बात का शुक्र मना रहा है तू। तो उस लंगड़े आदमी ने जवाब दिया जिसकी लाते नहीं, कहने लगा शुक्र तो मैं इस बात का कर रहा था कि नमाज के वक्त मस्जिद पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया हूं, सामने मस्जिद है, और तू कहता है खुदा ने मुझे टांगे नहीं दी। जिस खुदा ने टांगे नहीं दी अगर वो हाथ भी ना देता तो मैं क्या कर लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने जो हाथ दिए हैं उसका शुक्राना कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे। पांचवें गुरु नानक समझाते हैं सुखमणि साहिब जी की वाणी में कि भगवान ने हजारों नियामतों से तुझे निवाजा है, एक चीज ना मिले उसी को पकड़ कर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो कोई अत का धनवान हो, सारे सुख हो उसके पास, घर में औलाद ना हो, ताने मारने शुरू कर देता कि खुदा तूने मुझे दिया ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवे गुरु नानक समझाते हैं दस वस्तु ले पाछे पावे, जो उसने दस चीजें दी थी उसे भूल गया, एक वस्तु कारण भी खोट गवावे, एक चीज नहीं दी उसकी शिकायत कर रहा है, उसके आगे खुदा के आगे अपनी इज्जत गवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा को कहां करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने दस दी हैं एक नहीं दी, अगर वो अपनी दी हुई दस वस्तु भी वापस ले ले तो तू क्या कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर जो खुदा ने तुझे दिया, केवल शुक्राना बस। ये अवस्था महापुरुषों के हिस्से में आई है, हम जैसे दुनियावी लोगों के हिस्से में नहीं, पर गुरु से मांग तो सकते हैं, अब सब मिलकर मांगे। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना, कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना, करे वचन
कि अगर संसार में खुश रहना है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, ऊपर वाले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सांसारिक जीवन में खुश रहना है तो अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे, जिसके पास ज्यादा सामान है, ज्यादा धन है, दुखी रहोगे। अपने से नीचे वालों को देखोगे, शुक्राना निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर दूसरी तरफ बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, अगर परमार्थ में खुश रहना है, संगत में खुश रहना है, ऊपर की पढ़ाई पढ़नी है, तो यहाँ पर अपने से नीचे वाले को नहीं, अपने से आगे वाले को देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो आपका नेम कभी कभी का है अमृत वेले का, तो उसे देखो जिसका रोज का है। इसमें शुक्राना नहीं, इसमें प्यास लगी रहनी चाहिए। तोर भजन की रहे प्यासा, ये मांगा है कि हे गुरु नानक कृपा कर कि मुझे तेरी भजन की प्यास लगी रहे, कभी बुझे ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी का अमृत वेले का नेम 4 बजे का है तो वो उसे देखे जो 3 बजे उठता है। जिसका 3 बजे का है तो उसे देखे जो 2 बजे उठता है, तो धार्मिक जीवन में वो खुश रह सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये संतोख की दात मिले कैसे? शुक्राना कहते हैं संतोख को, कैसे मिले? दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, दे तरीका है मन की भूख को मिटाने का। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, दे नाम नाम। दास पहले भी कई बार ये बात बता चुका है, पर क्योंकि बहुत सारी संगत यहां पर नहीं है तो फिर से एक बार दास बता दे कि ये नाम क्या है। दे नाम संतोखिया, मांग तो रहे हैं नाम दे दे, नाम का भाव क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं उन्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि नाम का भाव क्या है। कई लोग कहते हैं ना वहां से नामदान लेकर आए, कोई कहते हैं हम यहाँ से नामदान लेके आए, कई लोग आते हैं नामदान चाहिए। नामदान का मतलब क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अभी हम यहाँ पर बैठकर दो घंटे वाहेगुरु करेंगे, क्या हमें नाम मिल गया? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दे नाम, ये एक अवस्था है कि नाम जिसे मिल गया उस आदमी का जीवन ही अलग होता है। जिसे नाम मिल जाए, हम जब तो रहे हैं अभी तक हमें मिला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष इस ढंग से समझाया करते थे कि एक आदमी संगत में बैठा है, एक घंटा वाहेगुरु किया, अब बाहर गया, चप्पल पहनने गया, दूसरे की चप्पल ज्यादा अच्छी लगी, अपने छोड़ के उसकी पहन के चला गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या जपा उसने वाहेगुरु, मिला उसे नाम? एक आदमी यहाँ पर एक घंटा बैठ के वाहेगुरु करता है, दुकान पे जाके ठगियां करता है, लोगों के पैसे मारता है, लोगों को दुख देता है, क्या जपा उसने वाहेगुरु? दे नाम का भाव क्या है? दे नाम का भाव इतना है कि हमारा मन मान जाए। जिस दिन हमारा मन मान गया कि गुरु नानक हमारे साथ है हर जगह पे, समझो नाम की दात मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन ये मन मान गया कि गुरु नानक केवल गुरुद्वारे में ही नहीं, बाजार में भी हमारे साथ है, घर में भी, दुकान पे भी, हर जगह पर हमारे साथ है, हमारे मन में है, हमारे वचनों में है, हमारे कर्म में है, उस दिन नाम की दात मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अपने आप को खुद टटोलें, क्या हमें नाम की दात मिली? अरदास करते हैं ना, क्या कहते हैं अरदास में? प्रथमे खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे। तीन बार कहा है वाहेगुरु, पांच बार भी कह सकते थे, दस बार भी कह सकते थे, एक बार भी कह सकते थे, तीन बार क्यों कहा? इसके पीछे कारण है। प्रथमे खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे, तीन बार मन में, वचनों में, कर्म में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बच कर्म प्रभु अपना ध्याई, नानक दास तेरी शरण आए। कि ये गुरु नानक हमारे मन में बस जाए, किसी के बारे में बुरा सोचने लगे मन डर जाए कि गुरु नानक देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में आ गया वाहेगुरु, चोरी करने लगे, ठगी करने लगे, डर जाए कि गुरु नानक देख रहा है, हमारे कर्म में आ गया वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को बुरा भला कहने लगे, वचनों में आ जाए, मन डर जाए कि गुरु नानक सुन लेगा, आ गया हमारे वचनों में वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में, हमारे वचनों में, हमारे कर्म में जिस दिन वाहेगुरु बस गया, हमारा मन डर गया गलत काम करने से पहले, समझ लेना गुरु ने नाम की दात झोली में डाल दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है नाम, जिसके पल्ले में ये नाम की दात मिल जाती है, फिर उसकी अवस्था हो जाती है कि उसे कभी कोई टेंशन रहती ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा शुक्राना ही रहता है, कभी कंप्लेन नहीं करता। महाभारत का युद्ध चालू है, महाभारत का युद्ध, सब बैठकर रात को जाग रहे हैं, कृष्ण जी भी जाग रहे हैं, सब बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं बैठकर कि क्या करे भीष्म पितामह का। देखा अर्जुन नहीं बैठा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी गए अर्जुन के जहां पर अर्जुन सो रहा था, उठाया उसे कि सब लोग इतनी टेंशन में हैं, तू आराम से सो रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया कि हे कृष्ण, मुझे पता है तू मेरे लिए जाग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए मैं सो रहा हूं। उसने मान लिया कि कृष्ण मेरे लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन हम मान लेंगे कि भगवान हमारे लिए भी है, हमारी टेंशन भी खत्म। असल में आज तक हमारा मन माना नहीं, हम बातें तो कर लेते हैं बड़ी बड़ी, हमारा मन नहीं माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, भरोसा और टेंशन, ये दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अगर गुरु पे भरोसा है तो टेंशन नहीं, अगर टेंशन है समझ लेना भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मांगे गुरु से,
करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, संगत करे। कारण करता जो करे कारण करता कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना 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 कारण करता जो करे करे शुक्राना भगत फरीद जी ने एक दिन अपने चेलों को समझाया शुक्राना क्या है। सवाल पूछा उन्होंने अपने शिष्यों से कि बताओ शुक्राने का भाव क्या है। सब ने जवाब दिया कि मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही सो गए, इसे कहते हैं शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कहने लगे मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही सो गए, ऐसा तो कुत्ते भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो मजबूरी का शुक्राना हो गया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही सो गए, ये तो मजबूरी का शुक्राना है, जानवर भी यही करते हैं। फरीद जी ने समझाया जो गुरु से मांगा वो मिल गया तो वाहेगुरु तेरा शुक्र है, नहीं मिला तो भी वाहेगुरु तेरा शुक्र है, ये है शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक महापुरुष उनके आश्रम में तबेला है, तबेले में गाय भैंसे हैं। महापुरुष रोज बात कहते हैं, कई बार कहते हैं अक्सर कि कितना आनंद है, इतनी सारी गायें हैं भैंसे हैं, दूध देती हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, कितना आनंद है। शिष्य सुनते हैं। एक दिन चोर आए, रात को सारी गाय भैंसे चुरा कर ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे अच्छा हुआ ले गए, इतनी बदबू आती थी, उनकी सेवा करनी पड़ती थी, दूध दोना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता था, अच्छा हुआ चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगे आपकी तो बात ही एक नहीं है, जब थी तब कहते थे कि दूध खाते हैं मलाई खाते हैं बड़ा आनंद है, अभी चले गए तो कहते हो बड़ा आनंद है, बात तो एक होनी चाहिए। महापुरुष कहने लगे हमारी बात एक ही है, अगर भगवान ने दे दी है गाय भैंसे तो भी आनंद में है शुक्र में है, अगर ले गया तो भी आनंद में है शुक्र में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाकिस्तान की घटना है,
एक सिख जिसे गुरु पे बहुत भरोसा है, बहुत 20 साल तक एक गुरुद्वारे में सेवा करता रहा, जो भी कमाई होती सारी की सारी गुरुद्वारे की सेवा में लगा देता, सारी कमाई गुरुद्वारे की सेवा में, अपने लिए कुछ जोड़ा नहीं। क्यों? गुरु पे भरोसा है, जब मुझे जरूरत होगी गुरु दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना भरोसा है गुरु पे। जब उसकी लड़की जवान हुई, उसकी शादी तय हुई, लड़के वालों ने 500 रुपए मांगे। इसने कहा जब बारात आएगी 500 रुपए दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक के आगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास कर दे, भाई 500 रुपए की जरूरत है मुझे भिजवा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भरोसा करके बैठ गया, किसी से मांगने नहीं गया, बैठ गया। बारात आई 500 रुपए नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बारात वापस चली गई। अब ये सिख जिसे गुरु पे भरोसा था, भरोसा टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में गया और बोलना शुरू कर दिया कि मैंने 20 साल अब सेवा करके गवाए। ताने मारने लगा गुरु नानक को, अगर मैंने पैसे जमा किए होते आज मेरी ये हालत ना होती। मैंने तुझ पे भरोसा किया गुरु नानक और मेरी ये हालत हो गई। आज मेरी लड़की की बारात वापस चली गई। 2 घंटे बीते, उसके एक मित्र को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, 500 रुपए लेकर, ये ले बारात वापस बुला ला। ये 500 रुपए लेकर दौड़ा, जब पहुंचा वहां पे गांव में, तो जिस लड़के से शादी होनी थी उसकी मृत्यु हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब लोग रो रहे हैं, ये हैरान हो गया, समझ गया सारी बात कि जिस गुरु नानक ने 2 घंटे बाद 500 रुपए पहुंचाए हैं, 2 घंटे पहले भी दे सकता था, पर वो जानता था कि अगर मेरी बेटी की शादी इससे हो जाती तो आज ही मेरी बेटी विधवा हो जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक ने बचाया पर मैंने भरोसा पूरा नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा भरोसा पूरा नहीं। अगर हमारी अरदास कबूल हो जाए तो हम कहते हैं धन गुरु नानक, वाह, सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये दर छोड़ेंगे नहीं। और अगर हमारी बात पूरी नहीं होती तो पूछते हैं फलाना बाबा कहाँ मिलेगा जो हमारी बात पूरी कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भटकते हैं लोगों के पास जाकर। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जिसकी गुरु नानक से नहीं ना पूरी पड़ी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से और कहीं से पूरी पड़ भी नहीं सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद गुरु नानक, प्रतख गुरु नानक, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहें सेवक जन माने, प्रतख प्रतख गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना, कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना, करे शुक्राना करे शुक्राना करे शुक्राना करे शुक्राना मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह।
संगत बैठी है, गुरु नानक पाचा प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि शुक्राना क्या होता है, सबर संतोख क्या होता है। आखिरी पंक्तियों में गुरु नानक पाशाह ने कहा कि जिसे ये सबर संतोख शुक्राने की दात मिल जाती है, ये अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, वो सब कुछ कर सकता हुआ भी गुरु का भाणा मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल कर रख दे, होने को अनहोनी कर दे, पर फिर भी वो भाणा मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर एक योगी एक तपी बैठा था संगत में, वो उठा, गुरु नानक पाशाह से सवाल किया, क्या ऐसा आज भी कोई है जिस अवस्था की आप बात कर रहे हो, इस अवस्था का कोई इंसान आप जानते हो? गुरु नानक पाशाह कहने लगे, ऐसे खुदा के प्यारे कई हैं, पर मर्दाने से कहा इसे लालो तरखान का घर का पता बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लालो तरखान के घर में चला जा, तुझे सब कुछ अपने आंखों से दिखाई दे जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये पीर पहुंचा लालो तरखान के घर, तो वो एक सीढ़ी तैयार कर रहा है, ऐसी सीढ़ी जिसके ऊपर अर्थी सजाई जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने देखा गुरु नानक पाशाह का भेजा हुआ कोई आया है, उसने चरणों पर माथा टेका, भोजन कराया, आराम से बिठाया और फिर से अपनी सीढ़ी बनाने लगा। अब ये सिद्ध उसे देख रहा है, सवाल पूछा इसने कि ये तू क्या कर रहा है, ये तो अर्थी तैयार कर रहा है। तो कहने लगा हाँ। सिद्ध पूछता कौन मर गया है, ये कहने लगे मरा नहीं है, थोड़ी देर में मरने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिद्ध पूछा कौन मरने वाला है, कहने लगा मेरा बेटा ससुराल गया हुआ है, छत से गिरकर मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा ससुराल गया है, छत से गिरकर मर जाएगा, सुनकर हैरान हुआ, चुपचाप बैठा रहा, कहने लगा लगता है शायद कोई बौरा है। पर तब इसके हैरानी की हद ना रही, जब थोड़ी देर बाद एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा और कहने लगा कि आपका लड़का जो ससुराल में गया था छत से गिरकर मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी ने ये अर्थी उस आदमी को दे दी, जाओ तैयारी करो मैं आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सिद्ध हैरान हुआ, कहने लगा मैं सारी दुनिया घुमा हूँ, तेरे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा लालो। लालो कहने लगा क्यों, तुझे पता है तेरे लड़के की मौत होने वाली है, गुरु ने तुझे ये शक्ति बख्शी है, शक्ति तुझे पता चल गया है कि तेरे लड़के की मौत होने वाली है, तू आगे का देख सकता है, पर तूने फिर भी रोका नहीं, तू मूर्ख नहीं। ये कहने लगा ये मूर्खता नहीं, ये गुरु का भाणा मानना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वैसे भी गुरु की होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। सिद्ध कहने लगा मैं नहीं मानता, होने को टाला जा सकता है, अगर पता चल जाए कि ये होने वाला है तो उसे क्यों नहीं रोका जा सकता। मालूतर खान ने बहुत समझाया पर ये ना माना। आखिर में उसने कहा कि ठीक है तू नहीं मान रहा, मैं तुझे कहता हूं कल दोपहर को ये सामने मेरी दुकान है, उसके सामने पेड़ दिखाई दे रहा है। उसे कहने लगा हाँ। कहने लगा कल दोपहर को यहीं पर तुझे फांसी की सजा होनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बच सकता है तो बच ले। सिद्ध ने सोचा ये जो बोलता है पूरा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध ने अपनी पोटली उठाई और भागना शुरू कर दिया, कहने लगा मैं होनी बदल कर दिखाऊंगा। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, शाम हो गई, थक गया, काफी दूर भाग चुका था, एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रात हुई, उठा, रात में उठा, घबरा गया मन कि अब तो बहुत दूर जाना है, यहीं पर रुक गया मैं। फिर से भागना शुरू किया, पर इस वक्त रात के समय समझ में आया नहीं, जिस तरफ से भागा था उसी तरफ वापस उल्टा भागने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम हो गया कि बहुत दूर निकल लगे आए हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पेड़ की तरफ इशारा किया था मालू तरखान ने, उसी पेड़ के नीचे आकर वो फिर से आराम करने लगा और सो गया।
कि अब तो बहुत दूर निकल आया हूं, अब मैं बच जाऊंगा। दूसरी तरफ राजा के दरबार में चोरी हो गई राजघराने में। चोर माल लेकर भागे और उस पेड़ के पास आए। चोरों ने आपस में माल बांटा, आखिर में एक मोतियों का हार बच गया। सबने फैसला किया कि आपस में झगड़ने से अच्छा है कुछ दान पुण्य भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये महात्मा बैठा है, ये मोतियों की माला इसके गले में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महात्मा सिद्ध सो रहा है, वो मोतियों की माला उसके गले में डाल दिए। अभी चोर तो चले गए, सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुंचे मोतियों की माला इस सिद्ध के गले में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पकड़ लिया और बांध दिया पेट से। दोपहर हुई, उसकी फांसी की तैयारी करने लगे, कहने लगे कोई अंतिम इच्छा। वो सिद्ध कहने लगा बस वो सामने घर है मालो तरखान का, एक बार उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालो तरखान को बुलाया गया। सिद्ध कहने लगा मैं आपकी बात मान गया, होने को टाला नहीं जा सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, मुझे अब बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने आपको अपशब्द कहे। मालो तरखान को उसके ऊपर दया आई साथ संगत जी। मालो तरखान ने हाथ जोड़कर गुरु नानक के चरणों में अरदास की इस सिद्ध को बचाने के लिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, मालो तरखान ने अरदास की गुरु नानक के चरणों में कि ये सिद्ध बच जाए, और वहां पर चोर पकड़े गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सिद्ध को छोड़ दिया गया, बच गया। अब इस सिद्ध के दिमाग में फिर दूसरा सवाल पैदा हो गया। आपने कहा था होनी बदल नहीं सकते, फिर ये होनी कैसे बदल गई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी सजा कैसे टल गई? अगर मुझे फांसी होनी ही थी तो मुझे फांसी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब होनी बदलती है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लालो तरखान ने समझाया कि गुरु जिसे सबर शुक्र संतोख की अवस्था बख्शता है वो होनी को बदल सकता है, पर वो गुरु का भाणा मानता है। पूर्ण संत पूर्ण महापुरुष अपने पर आने वाली विपदा को नहीं टालते, भाणा मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने लिए कभी फरियाद नहीं करते कि मेरा दुख काट दे, पर दूसरे का दुख देखकर वो उसके लिए फरियाद करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब कोई पूर्ण महापुरुष फरियाद कर दे तो निरंकार को वो फरियाद माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है साथ संगत, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत भोले हो, सिंधी संगत ना बहुत भोली है, बड़ी प्यार वाली है। अभी यहाँ पर कई लोग बैठे हो जो होना होता है वो होना ही है, तो हम पढ़ाई क्यों करें, ऐसे ही पास हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान पर ना जाएं, काम करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही धन आ जाएगा? नहीं, इस बात को गहराई से समझना। महापुरुष समझाया करते थे कि आपके पास टीवी होगा या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, पर अगर टीवी है, रिमोट आपके हाथ में है, कौन सा चैनल देखना है ये आपके हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, कर्म आपके हाथ में दिया है निरंकार ने, कर्म करने की ताकत आपसे नहीं छीनी है, चुनाव हमेशा आपके पास रहता है। सड़क जा रही है, चार नंबर जाना है, ये निरंकार आपको नहीं लेके जाएगा यहाँ से जाना है या वहां से, आपकी मर्जी, आप यहाँ से जाना चाहते हो या वहां से जाना चाहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने आपको ग्लास दिया है, जेब में 100 रुपए दिए हैं, आपकी मर्जी है इसमें दूध डालकर पीना है या शराब डालकर पीनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म का चुनाव उसने हमारे हाथ में रखा है। दुर्योधन की माता ने कृष्ण जी को शराब दिया था कि तू निरंकार है, तू भगवान है, तू चाहता तो ये महाभारत का युद्ध ना होता, तेरी वजह से मेरे सारा कुल का नाश हो गया। शराब दिया था कि तेरे कुल का भी, यादव कुल का भी नाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा कि आपका शराब सर माथे पर मुझे जवाब दीजिए एक बात का, अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं ही करता हूं, तो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था
क्या वो मैं चाहता था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो चुप कर गए, गांधारी चुप कर गए। क्या मैं चाहता था कि द्रौपदी का नग्न हो, उसका वस्त्र हरण हो? गांधारी चुप। कृष्ण जी कहने लगे, नहीं, मैंने कर्म करने की शक्ति इंसान के हाथ में रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मैं इसे नहीं छीनता। क्या करना है क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, वो मैं बता देता हूं। सही करना या गलत करना वो इंसान के अपने हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चुनाव नहीं छीना है उसने हमसे। खैर बात किधर और चली गई, हम बात कर रहे थे शुक्राने की। शुक्राने की ये अवस्था जो मान लो तरखान की थी, कैसे मिले? हमारा जब कोई काम नहीं होता हम नाराज हो जाते हैं गुरु से। काश ये शुक्राने की अवस्था मिल जाए तो जीवन से तो दुखी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये अवस्था गुरु नानक बख्श दे तो जीवन से तो दुखी खत्म हो जाएंगे। अगर कोई काम नहीं हो रहा फिर भी हम शुक्राना करें, वाहेगुरु तेरा शुक्र है मेरा ये काम नहीं हुआ, कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ मांगे गुरु नानक से। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना करे शुक्राना करे शुक्राना शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र।
शुकर करा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर करा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर करा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर करा दिन रात मैं तेरा दुख सब तेरा शुकर करा कुछ भी नहीं मेरा शुकर करा कण कण विच तेरा शुकर करा दिसदा है बसेरा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर करा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर करा शुकर करा मेरे दाता तेरा शुकर तेरा शुक्र कर तेरा शुक्र करा कभी बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दर छपूरन हुए चित की इच्छा तो चनर बन रहे तेरे संग है जिंदे सुपाए सदा सारा तेरी नाम अनुसार है ना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਬ ਹਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੇ। Shiva ji sada sahai.
जय गुरु जी की।